ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਿਸ਼ respected president and comrades sitting on the dais at the front of the dais. I'll be more convenient in English, but I have been asked to speak in Hindi. I'll try, and you have to excuse me for any mistakes in Hindi. If you ए वाला दे दिया तो मैं हिंदी में बोल पाऊँगा, तो हिंदी में इतना अच्छा नहीं बोल सकता हूँ। पहले मैं पहले बार पंजाब आया हूँ और भारत देश का कोने कोने में जो आज जीवन कर रहा है वो सब लोग पंजाब का तरफ इसीलिए देखता है। हम सब जो उदास जानते हैं कि हमारा आज़ादी पंजाब का स्ट्रगल से इतना जोश से मने का संबंध है, ऐसे का संबंध है। तो जब हम लोग पंजाब सोचते हैं ये गुरु भगत सिंह सोचते हैं, जब हम लोग पंजाब भगत सिंह सोचते हैं तो पंजाब सोचते हैं, और जब हम आज़ादी का बारे में सोचते हैं तो भगत सिंह का बारे में सोचते हैं और पंजाब का। इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं पंजाब आया हूँ, और ये भी हो गया कि मैं जब दो मिनट के लिए इसके लिए प्लीज आई रिक्वेस्ट प्रोसीड कर रहे हैं। जब मेरा पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरुआत हुआ है भगत सिंह का नाम से शुरुआत हुआ है। हम स्टूडेंट था, भगत सिंह का कहानी सुना तो मैं फैसला कर दिया कि मैं रिवोल्यूशनरी पढ़ और मेरा पहले प्रोग्राम था पॉलिटिकल प्रोग्राम था पॉलिटिकल एक्टिविटी था कि 1981 में भगत सिंह का 50th एनिवर्सरी मीटिंग करना, तो उसके लिए मैं पैसा कलेक्ट किया था, पोस्टर लगाया था, लीफलेट प्रिंट किया था, बांटा था और वॉल राइटिंग किया था, सब कुछ किया था पहले भगत सिंह का मेमोरियल मीटिंग के लिए 1981 में उनका 50th एनिवर्सरी है। तो ऐसा बात है, और मैं कल लुधियाना आया है जगमोहन सिंह का घर में। क्या और भी बात है कि उनका घर में जो इतना तस्वीर है, जब वो तस्वीर में देखता था कि मुझे ये लगा कि मैं हिस्ट्री में सफर कर रहा हूँ, कि आई हैव बीन टू हिस्ट्री ऑल दी वे बैक एंड कमिंग फ्रॉम देयर। सो दीज आर देयर रूट्स, नॉट ओनली फॉर पंजाब, दीज आर देयर रूट्स फॉर द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया एंड आवर इंडिपेंडेंस एंड आवर आज़ादी। Thank you for having given these 2 minutes of my personal experiences. Now, मैंने अभी में जो आप गरी में दिल्ली में जुलूस का बारे में ये आप लोग ज़रूर जानते हैं कि 18 फरवरी में दिल्ली में हमारा जुलूस होने वाला है। मैं बाद में भूल जाऊंगा, इसलिए पहले बोल रहा हूं कि इधर जितने लोग बैठा है सब लोग दिल्ली आना है 18 फरवरी के लिए, क्योंकि हमारा ताकत दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा फ्यूचर हमारा आज़ादी नहीं होगा। अगर ये समय में हमारा ताकत हम नहीं दिखाने से हमारा आज़ादी छूट जाएगा। बात यह है, इसीलिए मैं आप सब लोगों को निवेदन दे रहा हूँ कि आप सब लोग हर एक आदमी हर एक औरत हर एक स्टूडेंट दिल्ली ज़रूर आए 18 फरवरी को। तो अभी तो मैं कोई भाषण देने वाला नहीं है, आपका पास मैं एक रिपोर्ट पेश करूँगा प्रेजेंट करूँगा, उसमें क्या है आप जानते हैं। अभी जो गवर्नमेंट है बीजेपी का लीडरशिप में, जो एनडीए गवर्नमेंट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए का गवर्नमेंट का बात कम है, बीजेपी का गवर्नमेंट का बात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, आप सब जानते हैं ये तो। और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है 1 जनवरी
2015 में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया है। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके वो नीति आयोग को लाया है। ये आप जानता है, ये नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है। उनको देश आम जनता के लिए कुछ प्लानिंग नहीं करना चाहिए, उनको इतना सिर्फ इतना करना चाहिए कि कॉरपोरेट हाउसेस को फैसिलिटेट करें। तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन का कोई बोला है ये सिर्फ नाम का बदलाव है, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये पूरा हमारा भारत देश का पॉलिसी का बदलाव है। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारा जो नेहरू का भी खिलाफ करते थे वो अलग बात है, मगर जो प्लानिंग कमीशन था तब का, वो प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग पॉलिसी कमीशन को लाया है। ये पॉलिसी क्या है? पॉलिसी सिर्फ यही है, प्राइवेट एजेंसीज को, कॉरपोरेट हाउसेस को, नियो लिबरल इकोनॉमी को फैसिलिटेट करना जो है उसी का बात है, ये पॉलिसी है। सो ये पॉलिसी आयोग लाया है 1 जनवरी 2015 में, और April 23, 2017 में वो एक डॉक्यूमेंट निकाला 211 पेजेस का, उसका नाम है एक्शन एजेंडा। एक्शन एजेंडा क्या करेगा? तुम्हारा प्लस प्लानिंग नहीं है, एक्शन क्या करेगा? बात ये है। तो एक्शन ये है कि प्राइवेट पूंजीपति के लिए जो हम करना है वो करने के लिए एक्शन एजेंडा है, वो 2017 April 23 में एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट का रूप में निकाला। तो बाद में अगस्त 1 में उसको जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में इसको अडॉप्ट कर दिया। तो 211 पेजेस तो बहुत बड़ा बुक है, तो मैं थोड़ा तकलीफ़ लिया कि ड्राफ्ट का और फाइनल का क्या फ़र्क है। ड्राफ्ट में कुछ लिख लिया तो पूरा से पूरा देश में चीफ मिनिस्टर्स आए मीटिंग में, मिनिस्टर्स भी है, केंद्र मिनिस्टर भी है, तो सब लोग बहस करने के बाद में इसको अडॉप्ट किया। तो ज़रूर हो सकता है बहुत कुछ बदलाव है उसमें, बहुत चेंजेस होना चाहिए। तो आई वॉन्टेड टू नो वाट आर दी चेंजेस दैट आर बींग मेड टू दी ड्राफ्ट। तो ये बहुत आश्चर्य का बात है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। 211 पेजेस वर एक्सेप्टेड एज इट इज आफ्टर 4 मंथ्स बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये सिर्फ बीजेपी का बात नहीं है, ये पूरा ये देश का रूलिंग क्लास का बात है। इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें तो थोड़ा सैफ्रनाइजेशन ज़्यादा नहीं है ये डॉक्यूमेंट में, इसमें तो ज़्यादा जो नियो लिबरलिज्म है, ये पूरा नियो लिबरलिज्म का डॉक्यूमेंट है। ये कोई एक्सपर्ट लिख दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो वर्ल्ड बैंक का है, वो इंग्लिश वाला नहीं है। अभी इंग्लिश वाला तो हमको रूल नहीं कर रहा है, भारत देश वाला ही रूल कर रहा है, मगर वो वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है। जो वर्ल्ड बैंक आदमी है भारत देश का, हमारा खून का, वो लिखा है। इसीलिए कोई राज्य से कोई इसका खिलाफ में कुछ भी नहीं बोला, ऐसा ही डॉक्यूमेंट एज इट इज बीइंग अडॉप्टेड। ओनली वन रेफरेंस आई हैव सीन, ओनली चेंज इज ओनली इन वन रेफरेंस, ए फैक्चुअल रेफरेंस, नॉट एनी वर्ड आर फ्रेज ऑफ द 211 पेजेस। सो दिस शोज हाउ द रूलिंग क्लास आर यूनाइटेड ऑन द पॉलिसी ऑफ नियो लिबरलिज्म, बट वी डू नॉट फाइंड दैट यूनिटी स्टिल इन द वर्किंग क्लास एंड पेजेंट्री, वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास जो मरे पूरा देश में इतना कम्युनल कैस्टिस्ट मूवमेंट चल रहा है, इसका खिलाफ हम सबको मैने वी शुड यूनाइट। दैट इज ओनली पेंडिंग। रूलिंग क्लास इज वेल यूनाइटेड एंड दे आर एबल टू ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन यूनैनिमिटी। सो उसमें पॉइंट नंबर 3, चैप्टर नंबर 20 है। ये चैप्टर नंबर 20 एजुकेशन, उनका हेडिंग यह है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। आप जानता है जब कोठारी कमीशन रिपोर्ट दिया है, राधाकृष्ण कमीशन दिया है, मुदलियार कमीशन दिया है उनका, और 1986 तक वो था एजुकेशन रिपोर्ट्स था। 1986 में पेज में तो एजुकेशन पॉलिसी है, मगर अंदर में वो हो गया है
ह्यूमन रिसोर्सेस, हम जानता है क्या ह्यूमन रिसोर्सेस है, माने ये पूरा संसार जो है रिलीजन में ये कहता है कि ह्यूमन लोगों के लिए ये नेचर है, ठीक है, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस वी कैन टेल नेचुरल रिसोर्सेस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बट नाउ दे आर स्पीकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस किसके लिए, नेचर के लिए, जरूर नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस ये दोनों भी कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए, माने ह्यूमन बीइंग्स आर बीइंग रिड्यूस्ड इनटू रिसोर्सेस ऑन पार विद नेचुरल रिसोर्सेस फॉर द पर्पसेस ऑफ द कॉर्पोरेट हाउस। बात यह है, तो ये 1986 है, इसीलिए 1986 पॉलिसी जो है पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी का, उसका खिलाफ हम लोग लड़ते थे 20 साल से 30 साल से, छोड़ दीजिए। अभी ये देख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्सेस भी नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट का अभी आया स्किल डेवलपमेंट, स्किलिंग करो बस, ह्यूमन को छोड़ दिया पूरा, ह्यूमन भी नहीं होगा कोई, स्किलिंग करो, माने आप तो अभी इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं। तो अभी ये है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का रिपोर्ट है, वो 20 चैप्टर 20, अभी ये स्किल एजुकेशन कैसा आएगा, स्किल कैसा डेवलप होगा आप देख लीजिए, अभी फिगर्स में देख लीजिए कि हमारा देश में एनरोलमेंट का बारे में 8th क्लास तक 98% एनरोलमेंट है उनका, उनका आंकड़ा अंडरली, अब 5th क्लास तक 98% है, 8th क्लास तक 92% है, ठीक है, मगर ये सिर्फ एनरोलमेंट है, और असली बात यह है रिटेंशन का, कितना लोग स्कूल में है, कितना लोग स्कूल छोड़ दिया। ये माइक आ रहा है, क्लियर आ रहा है माइक, अरे ठीक ठीक, नजदीक होके बोलो, अच्छा अच्छा, नहीं साउंड ठीक है, साउंड साउंड ठीक है, हेलो हेलो, इज इट ओके, पहले अच्छा था, हेलो हेलो हेलो, ठीक, देख लीजिए, मीन्स whenever you have to analyze a public document, you shall have to analyze from the grassroots level, not from the top, not from the university education, from school education, number one. When you have to understand the school education policy, you have to understand from the retention, enrollment and retention position. And now if you see, only 60% students are coming up to class 8. And only 40% students are coming up to class 10. अभी देख लीजिए, ये दो आंकड़े ये रिपोर्ट में नहीं है, एनरोलमेंट का आंकड़ा है, मगर जो रिटेंशन का, जो असल में पढ़ता है स्कूल में, वो कितना लोग पढ़ रहा है, कितना लोग स्कूल छोड़ रहा है, उनका आंकड़ा नहीं है। माने देश का आज़ादी मिलने का 70 ईयर्स का बाद में अभी भी 70% चिल्ड्रन स्कूल का बाहर में है, बात यह है, और इनका बारे में नीति आयोग डॉक्यूमेंट छुपाते हैं। नियो लिबरलिज्म डॉक्यूमेंट्स में ये आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा कि हाइडिंग द फैक्ट्स, 1986 पॉलिसी में पूरा फैक्ट्स दिया गया है, मगर अभी जो ये पॉलिसी है इसमें पूरा इंफॉर्मेशन जो है उसको हाइडिंग कर रहा है, बात यह है। और आगे बढ़िए कि 2010 में हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, उसमें तो बहुत कमियां है, सिर्फ कमियां भी नहीं है, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोल के गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेस है प्राइवेट एजेंसीज को धकल करने के लिए प्रोविजन भी है, वो बहुत खतरनाक प्रोविजन है, और इसीलिए वो नियो लिबरल प्रोविजन भी है। उसका छोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का प्रोविजंस है वो भी बहुत कमजोरी का है, टीचर का प्रोविजन जो है वो भी बहुत कमजोरी का है, और ऐसा था। मगर ये 2010 से आज तक 8 साल हो गया, ये रिपोर्ट तक 7 साल हो गया है, वो 7 साल तक
वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस जो है उसको लागू नहीं किया है, और एक एनजीओ का रिपोर्ट का वजह से 90% इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोविजंस वर नॉट देयर इन द स्कूल्स अकॉर्डिंग टू द कमजोर का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उनका अकॉर्डिंग भी 90% इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देख लीजिए क्या बात है, और 8 लाखों का टीचर कम नंबर में है पूरा देश में। सो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कमजोरी का एजुकेशन एक्ट है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं मिला, उसमें जितना टीचर्स होना चाहिए वो भी नहीं मिला। 90% इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, 8 लाख टीचर्स कम है। तो ये दोनों रिपोर्ट में नहीं है, रिपोर्ट में जगह नहीं है इसको। रिपोर्ट में ये कर दिया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को 7 साल हम इस्तेमाल करने का बाद में हमारा, माने इसको इंप्लीमेंट करने का बाद में हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत कम है और कम होते जा रहा है। ठीक है, आप तो एनालिसिस करो क्यों कम है, क्यों कम होते जा रहा है। वो एनालिसिस ये डॉक्यूमेंट में नहीं है, नियोलिबरल डॉक्यूमेंट में कभी एनालिसिस नहीं होते हैं, जो हो गया है उसमें कभी रिव्यू नहीं होता है। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट में नहीं, कोई डॉक्यूमेंट में देखे है कोई जो हो गया है उसमें कभी नहीं रिव्यू होता है, इसमें रिव्यू नहीं है। क्योंकि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स कैसा गिर रहा है उसका कारण क्या है ये डॉक्यूमेंट में कोई नहीं है। और अपना मैंने वो लोग अपना आप एक कारण दे दिया, कारण ये है, आप हंसिए मत, कारण ये है नीति आयोग डॉक्यूमेंट में दिया है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा टीचर अपॉइंटमेंट में खर्चा कर रहा है, इसीलिए हम आउटकम नहीं देख रहा है। इसीलिए ये ठीक बात है, आउटकम नहीं, आउटकम को भी देखना है, अच्छा बात है, सुपरवाइज करो, एस्टिमेट करो, इवेल्युएशन करो, कमजोरी कहाँ है देखो, उसको माने रिजॉल्व करो, वो बात नहीं है। मगर ये बोल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा टीचर अपॉइंटमेंट में खर्च किया, इसीलिए हमारा स्कूल एजुकेशन कमजोरी पड़ रहा है। देख लीजिए उनका एनालिसिस ये है। तो उससे क्या निकलता है, वही लिख दिया, क्या निकलता है कि अब से हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टीचर्स का क्वालिफिकेशंस जो है, टीचर्स का नंबर जो है, प्यूपिल टीचर रेशियो जो है, पीटीआर जो है, उसको राइट टू एजुकेशन में जो कंपलसरी है उसको निकाल देंगे, निकाल के उसको सजेस्टिव बना देंगे कि राज्य का सरकार कर सकती है नहीं कर सकती है, अपना इच्छा है। कि देखना क्या है, टीचर नहीं दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे दो, मगर आउटकम को देखना है कि स्टूडेंट्स जो पास हो रहा है उसको देख के, उसको रिजल्ट देख के स्कूल अच्छा है कि नहीं है, आउटकम का रिपोर्ट देना। तो इसको बोलता है, ये वर्ल्ड बैंक का लैंग्वेज है, वर्ल्ड बैंक इसको बोल रहा है इनपुट अप्रोच एंड आउटपुट अप्रोच। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग इनपुट्स टू द इंस्टीट्यूशन, सिट एट द आउटपुट गेट एंड सी द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट एंड देन एनालाइज द स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन। टिल टुडे मैंने जो इंग्लिश राज्य से, उसका बाद में जो हमारा भारत का आज़ाद राज्य से, इतना 70 साल में कभी ये आउटपुट का एनालिसिस नहीं था, पूरा इनपुट का एनालिसिस था। क्योंकि स्कूल अच्छा चलना है तो उसको सब कुछ देना है, कॉलेज अच्छा चलना है तो उसको सब कुछ देना है, यूनिवर्सिटी अच्छा चलना है तो उनको सब कुछ देना है। मगर पूरा अभी चेंज कर दिया है, ये लोग आउटपुट अप्रोच को आगे बढ़ रहा है। ये आउटपुट अप्रोच जो है ये वर्ल्ड बैंक का है, और वर्ल्ड बैंक का ये अप्रोच सिर्फ भारत देश में नहीं है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में भी है, अफ्रीका देश खंड में बहुत सारा देश में है। तो ये आउटपुट अप्रोच जो है उसका ऊपर यूनेस्को ने एक रिपोर्ट निकाला, अभी आपको मैं विस्तार में नहीं बोल सकता, टाइम हो रहा है, मगर आप यूनेस्को का रिपोर्ट 2017 पढ़िए, उसमें हर एक देश को पकड़ के यूनेस्को ने ये आउटपुट अप्रोच जो है
ये कैसा फेल हो गया है, ये कैसा फेल हो गया है, ये पूरा अमेरिका को पकड़ के, ऑस्ट्रिया को पकड़ के, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के, हरेक देश को पकड़ के पूरा आंकड़ों से वो एस्टाब्लिश किया है, आउटपुट अप्रोच इज ए फेल। ये हम का ऑल इंडिया फोरम किया नहीं है, ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट एजुकेशन का काम ये नहीं है, ये यूनेस्को काम है, यूनेस्को तो ये काम किया है, वो रिपोर्ट आप पढ़िए। तो वो ये आउटपुट अप्रोच जो है अभी भारत देश में लागू हो गया है, लागू हो गया है। आंध्र प्रदेश में हमको अभी 26,000 टीचर्स चाहिए होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट का वजह से, तो गवर्नमेंट 6,000 टीचर्स को दे रहा है। हम लोग एक साल जुलूस करके बहुत कैंपेन किया है, इतना कैंपेन कभी भी पहले नहीं किया है। तो लास्ट में सेक्रेटरी बोला आप आंध्र प्रदेश में लड़ने से कुछ का फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है टीचर्स का माने संख्या कम करने की। अभी ये नहीं है, अभी तो 20,000 कट हो गया, आने वाला साल में भी टीचर्स का पोस्ट कट हो जाएगा। आप मेरा पास आ रहे हैं, मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ इधर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऊपर से यही है अभी तो। तो ये कोई बात है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन का डॉक्यूमेंट है, ये एक्शन एजेंडा है। जो पूंजीबाजी का काम चलता है ना, वो एक्शन तुरंत माने तुरंत स्टार्ट हो जाता है, उसको कोई डिले नहीं होता है। अगर हमारे लिए कुछ एक्शन आए तो हो नहीं होगा, पूंजीबाजी के लिए कोई एक्शन होगा वो तुरंत हो जाएगा। तो एक्शन एजेंडा में अभी टीचर पोस्ट वो लोग कट कर रहा है, ये देख लीजिए। और टीचर क्वालिफिकेशन राइट टू एजुकेशन में बहुत बुरा है, बहुत कमजोरी है, मगर टीचर क्वालिफिकेशन का बारा में वो एक प्रोविजन दिया है कि एकेडमिक अथॉरिटी इसको डिसाइड करेगा। और ऑल इंडिया में एकेडमिक अथॉरिटी ये है NCERT, स्टेट में होता है हमारा स्टेट में SCERT, आंध्र प्रदेश स्टेट एजुकेशन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT है। तो ये एकेडमिक अथॉरिटी, थोड़ा एकेडमिक अथॉरिटी में थोड़ा फर्क होता है। तो ये एकेडमिक अथॉरिटी, टीचर्स का क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए 5वां क्लास तक, 8वां क्लास तक, 10 क्लास तक, 12 क्लास तक, उनका तो कुछ है एकेडमिक अथॉरिटी को, तो उसको ही लागू करना पड़ा है पूरा राज्यों में। तो अभी ये लोग बोल रहा है टीचर्स का क्वालिफिकेशंस का ऐसा रूल्स नहीं होना चाहिए, टीचर्स को अपॉइंट करना है वो माने जो PTR नहीं होना चाहिए उनका क्वालिफिकेशंस भी नहीं होना चाहिए। तो ये नीति आयोग है। और एक बात है, आप जानते होगा अभी पूरा देश में 1,00,000 स्कूल, बहुत अच्छा आंकड़ों अनिल जी बता सकते हैं, 1,00,000 से ज़्यादा स्कूल बंद करने के लिए कोशिश चल रहा है, पंजाब में भी हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ। आंध्र प्रदेश में हमारा 30,000 स्कूल है, 30,000 स्कूल में 80% को बंद करने के लिए क्लस्टराइजेशन बोल के एक प्रोग्राम लागू किया था, तो उनका खिलाफ हम लोग लड़ा, 4 साल लड़ा, तो जीत गया। पहले से पहले हम लोग जीत गया है कि उनको स्कूल बंद नहीं करना दिया। ऑल इंडिया फोरम का एक रिजल्ट है, हमारा स्ट्रगल का एक रिजल्ट है, आंध्र प्रदेश सेव एजुकेशन कमेटी ऑल इंडिया फोरम का मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, हम जीत गया। मगर अभी देखो क्या हुआ, व्हेन दे वांटेड टू स्टैब अस फ्रॉम फ्रंट वी प्रोटेस्टेड वी रेसिस्टेड, नाउ दे आर स्टैबिंग अस फ्रॉम बिहाइंड, नाउ दे हैव कैंसिल्ड अबॉलिश्ड 20,000 टीचर्स, व्हाट विल हैपन, मेनी स्कूल्स 20,000 schools will reduce to 2 teacher schools to single teacher schools. And there will be 7,000 teacher schools which will not have any teacher. So that will be education volunteer. So with this weakening of the school, next year if they want to close the school, we will not be able to resist. Because people will not be with us. Anyway, the school is not running proper. If it is closed, okay, we will go to the next village school. So now they have stabbed us from behind and we are not able to resist it. Now it is the question of if we can go to Jantar Mantar and make influence upon the central government to change its Niti Aayog policy, then only the struggle of Andhra Pradesh will be successful. So we have agreed, Andhra Pradesh people have agreed to join All India Rally on 18th February. Baat ye hai. Aur dekh lijiye, aage badhke. So abhi isko राइट टू एजुकेशन एक्ट में
और पहले से एक्ट में वो तो आजकल आए थे पहले से कोतारी कमीशन रिपोर्ट से भी, पांचवा क्लास तक प्राइमरी स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर का अंदर में मिलना है, 8 क्लास तक 3 किलोमीटर का अंदर में, 10 क्लास तक 5 किलोमीटर का अंदर में, ये डिस्टेंस नॉर्म बोलता है। ये डिस्टेंस नॉर्म जो है अभी ये नीति आयोग खत्म करने वाला है। वो बोल रहा है डिस्टेंस नॉर्म का वजह से अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, डिस्टेंस नॉर्म को खत्म करो, डायरेक्ट लिख दिया है वो लोग रिपोर्ट में डिस्टेंस का नॉर्म का खिलाफ में। तो हो जाएगा जब हम स्कूल्स को वो बंद करना चाहते हैं आंध्र प्रदेश में, हम रुकावट दिया इसीलिए मैंने उसको रोक दिया, दिखा के देख लीजिए डिस्टेंस नॉर्म है, आपको डिस्टेंस नॉर्म को फॉलो करना है, तो वो लोग हर गया लास्ट में। तो अभी क्या है डिस्टेंस नॉर्म को निकाल देगा तो स्कूल को कैसा बचाएंगे हम लोग उसको, अभी वो लोग डिस्टेंस नॉर्म को निकालने के लिए कोशिश है। और जब डिस्टेंस नॉर्म निकाल गया तो हो क्या होगा, एससी कॉलोनी में जो स्कूल है वो बंद हो जाएगा, एसटी कॉलोनी में जो स्कूल है वो बंद हो जाएगा, कहां कहां कोने में छोटा छोटा गांव होता है वो गांव में जो स्कूल होता है वो बंद हो जाता है, माने डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है। अभी बहुत डिस्क्रिमिनेशन आप लोग जानते हैं, इससे 3 गुना 4 गुना डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने वाला है स्कूल बंद करने का बाद में। हम लोग थोड़ा इनफॉर्मल सर्वे किया, फॉर्मल सर्वे नहीं किया, इनफॉर्मल सर्वे में कहां कहां स्कूल बंद हो रहा है उधर स्टूडेंट्स बगल का गांव में स्कूल को नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत फ्यूड्स है आप जानते हैं ना, हम दोनों एक ही गांव में है, मैं इधर पंचायत सरपंच करके मैं करता हूँ, सब भी करते हैं, तो मैं हर जाता हूँ, मेरा गांव का बाल बच्चा उनका स्कूल नहीं जाता, उनका गांव का स्कूल नहीं जाता है, कभी कैश का होता है, कभी पॉलिटिक्स का होता है, कभी और कुछ भी हो सकता है, और नाला होता है, रोड होता है, सब कुछ फिजिकल कंस्ट्रेंट्स है, सोशल कंस्ट्रेंट्स है। एससी कारण इसमें स्कूल खोलने का बाद में एससी का एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, जब एससी कॉलोनी में स्कूल नहीं था, अभी तो ओसी लोग भी एससी कॉलोनी में जा रहा है स्कूल को, अब जो कैस्ट का जो ऐसा भी तोड़ रहा है इधर से उधर जाके भी, मगर जब एससी कॉलोनी स्कूल बंद हो जाएगा तो एससी कॉलोनी में जो अभी पढ़ रहा है उनका हालत क्या होगा, बाल बच्चा है 5 माने उनका उम्र होता है 5, 6, 7, 8, 9 ओ साल का उम्र होता है, वो लोग और एक गांव जाएगा एजुकेशन के लिए, उनका तो बाप का मोटरसाइकिल नहीं होता है, पीछे में बिठा के ड्रॉप करके आए, उनका बाप को तो मोटरसाइकिल नहीं होता है, कार तो जरूर नहीं होता है, कार तो वो रास्ता में जा भी नहीं सकता है, ऐसा गांव है, तो वो लोग जाएगा कैसा ये देख लीजिए। और ये लास्ट में 2-3 बोल के मैं बंद करूँगा, डीरेगुलेशन, ये गवर्नमेंट स्कूल का बात नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स का भी अभी आउटपुट देख लेगा, और ट्रांसपेरेंसी, और कुछ नहीं देखा वो लोग लिख दिया कि क्लासरूम कितना है ये गवर्नमेंट का बात नहीं है, टीचर्स कितना है ये गवर्नमेंट का बात नहीं है, टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है ये गवर्नमेंट का बात नहीं है, और कितना फीस ले रहा है ये गवर्नमेंट का बात नहीं है, प्लेग्राउंड है कि नहीं ये गवर्नमेंट का बात नहीं है, और कंपाउंड वॉल है कि नहीं, सेफ्टी है कि नहीं, वॉचमैन है कि नहीं, ये गवर्नमेंट का बात नहीं है, कोई इनपुट्स प्राइवेट स्कूल्स का उसका कोई गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट सुपरविज़न नहीं करेगा, गवर्नमेंट सुपरविज़न इतने ही करेगा कि जो स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहा है उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या है, माने एक एग्जामिनेशन करेगा, एग्जामिनेशन में मार्क्स देखेगा कि प्राइवेट स्कूल्स में स्टूडेंट्स पास हो रहा है तो प्राइवेट स्कूल को रिकॉग्निशन कंटिन्यू करेगा, तो उसका पेपर कौन करेगा, इवेल्युएशन कौन करेगा, वही प्राइवेट स्कूल का टीचर इवेल्युएशन करेगा, तो वही प्राइवेट स्कूल का टीचर का तनख्वाह कहाँ से आ रहा है, वही प्राइवेट या मैनेजमेंट से आ रहा है, सो प्राइवेट मैनेजमेंट टीचर्स को बोल देगा सबको पास करने के लिए, सब पास हो जाएगा, सब पास हो गया तो गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन कंटिन्यू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू होगा, कोई इनपुट का कोई नहीं होगा उसमें, और इतना से बस नहीं है, इतना से ज़्यादा है, ऐसा जो प्राइवेट स्कूल्स है उसको गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो प्लान है उसका वजह से पैसा देगा। हमारा गांव में स्कूल बंद हो गया तो हमारा गांव में 20 बालक है, उनको उधर भेज देगा प्राइवेट स्कूल में, हर एक बच्चा को 10,000 गवर्नमेंट दे देगा, वो 20 स्टूडेंट्स को वो प्राइवेट स्कूल में लेना है तो उनको मिल जाएगा 20 × 10 कितना हो जाएगा 2 लाख रुपया तो मिल जाएगा,
तो प्राइवेट स्कूल को फोकट में पैसा दे देगा और वो प्राइवेट स्कूल में कोई इनपुट्स का जरूरत नहीं है, क्लासरूम है कि नहीं, टीचर है कि नहीं, कुछ देखना नहीं, स्कूल है हम रीएम्बर्समेंट दे देगा, बच्चों को भेज देगा। तो अभी तक प्राइवेट स्कूल का हालत अलग है, गवर्नमेंट स्कूल का हालत अलग है। जो मिडिल क्लास है वो प्राइवेट स्कूल को जा रहा था, वो देख लेते थे मिडिल क्लास लोग क्या स्कूल अच्छा है कि नहीं, स्कूल को चेंज करते थे और उनका घबराना कोई वो बात है। मगर अभी पूर पीपल का स्टूडेंट्स भी उधर जाएगा और पूर पेरेंट्स को देखने के लिए कोई टाइम नहीं होता है, आप जानते हैं सुबह सुबह निकल के वो काम में चले जाएगा, तो उनका बाल बच्चा उधर जाएगा, वो मैनेजमेंट को तो पैसा मिल जाएगा, ये बाल बच्चा को तो एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए खुला से खुला ये रिपोर्ट में बोल दिया कि दे हैव यूज्ड परचेजिंग ऑफ एजुकेशन सर्विसेज बाय द लोकल गवर्नमेंट। द पंचायत ने प्राइवेट स्कूल को पैसा दे के हमारा पंचायत का बाल बच्चा को शिक्षा दे दो बोल के प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट का पास जाएगी। परचेजिंग ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज फ्रॉम प्राइवेट ऑपरेटर्स बाय द लोकल गवर्नमेंट्स, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो छोड़ दीजिए, अभी आप नहीं, मैंने आपका मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता। आप जरूर जानते हैं फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है फिक्की है, वो फिक्की का ये एक डॉक्यूमेंट निकल गया। ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जीओ है, ना जीओ नहीं है, ये एक्ट है, एक्ट है, एजुकेशन एक्ट है, सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल्स एक्ट। एक्ट तो करता है हमारा ख्याल से गवर्नमेंट करना है, प्रेसिडेंट को उसका दस्तखत देना है, मगर फिक्की ने अपने आप एक एक्ट बना दिया है। एक्ट बना के वाटर प्रिंटिंग में उसका ऊपर ड्राफ्ट बोल के एक सील है, वाटर प्रिंटिंग में, मैंने ये वाटर प्रिंटिंग कभी भी जा सकते हैं, ये एक्ट बन जाएगा। एक्ट अपने आप एक एक्ट बना दिया और ये एक्ट को पकड़ के वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पास जाया, हमारा जावड़ेकर का पास। तो जावड़ेकर ने बोला हमारा ताकत अभी इतना नहीं है कि हम हर एक राज्य को ये मैंने आर्डर दे दे कि इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप ये कीजिए, आप हर एक राज्य को जाके उधर राज्य गवर्नमेंट से आप लोग सम्मत ले लीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला स्टेट गवर्नमेंट्स को, फिक्की का टीम आएगा, उनको एंगेज कीजिए, उनका बात सुनिए और उनको आप अच्छा लगते तो आप उनको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो ये फिक्की टीम जो है हर एक राज्य को जा रहा है, वो आंध्र प्रदेश को भी आए थे। हमारा एजुकेशन कमिश्नर बहुत बड़ा, हम सब लोगों को इतना फीस्ट भी दे दिया, बहुत अच्छा फीस्ट है, उस दिन में फीस्ट दे के इतना बड़ा सेमिनार में सेमिनार बिठा के वो SFS को देखने से ये सब कुछ अभी हम जो बोला है वो पूरा बिल में है कि गवर्नमेंट को सुपरविजन का कोई नहीं होता है एजुकेशन का, सिर्फ एजुकेशन का नहीं है, ग्राउंड कितना नहीं है ये सब कुछ छोड़ दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, टीचर क्वालिफिकेशन सब कुछ छोड़ दीजिए, वो स्कूल में कितना भी फीस ले सकता है, कितना ज़्यादा भी फीस ले सकता है, कितना कम तनख्वाह भी टीचर को प्राइवेट स्कूल में दे सकता है। इसमें आपका मर्जी है, अपना मर्जी है, गवर्नमेंट का कुछ बोलना नहीं है इसमें। एडमिशन पॉलिसी उनका ही होता है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी उनका ही होता है, स्टूडेंट एंड टीचर्स का डिसिप्लिन का जो होता है वही प्राइवेट मैनेजमेंट का होता है, और इसको गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोल के पैसा भी दे सकता है। और क्या है, इतना ही नहीं है, वो स्कूल को शॉप भी बना सकता है कि अभी नहीं है, स्कूल में टेक्स्ट बुक बेच सकता है, नोटबुक, ड्रेस, शू अभी भी चल रहा है, मगर ये कानून का बाहर में चल रहा है। कानून का बाहर में चलना बहुत मुश्किल का बात है। कानून के बाहर में वो कर सकता है, आपका अपना बगल वाला जो स्कूल में स्कूल ओपन करता है ना, छोटा मोटा लोग स्कूल ओपन करता है ना, वो लोग कानून का बाहर में कर सकता है, MEO का पास जाके, DEO का पास जाके थोड़ा पैसा देके कानून में बाहर कर सकता है। अगर रिलायंस अंबानी करना है तो कानून के बाहर में क्यों करना, कैसा करना, उसको करना नहीं होगा, क्योंकि रिलायंस अंबानी का रिप्रेजेंटेटिव हर एक जिले को जाके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को मिलके उनको पैसा देके ये नहीं हो सकता है ना। उनके एक ही बार तुम प्राइम मिनिस्टर को पैसा दे दो, तुम्हारा जो कानून होना है वो कानून करवा लो। अभी करप्शन है जो अमेरिकन स्टाइल में आ गया है कि ये एग्जीक्यूटिव करप्शन नहीं है, ये पॉलिसी लेवल करप्शन है कि पॉलिसी मेकर को पैसा दे दो, आपका जो रेगुलेशन चाहिए ना डी रेगुलेशन चाहिए उनको बनाओ,
उनको कानून बनाओ, और नीचे में ऑफिसर का मुंह भी आपको देखना नहीं है। अभी डीओ जाएगा इनका पास, ये मैनेजमेंट डीओ का पास नहीं जाएगा, डीओ का मैनेजमेंट का पास जाएगा, क्योंकि कानून ऊपर से आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गया है, स्टेट गवर्नमेंट से आ गया है। सो हमारा हजारे साहब जो लड़ाई लड़ते हैं ना करप्शन का खिलाफ में एग्जीक्यूटिव लेवल में, ये एग्जीक्यूटिव लेवल में करप्शन वो भी नहीं चाहता है, कॉर्पोरेट हाउस भी नहीं चाहता है, वो लोग पॉलिसी लेवल करप्शन चाहता है। ये पॉलिसी लेवल करप्शन है, मैं विस्तार में नहीं बोलूँगा, उनका नाम है सेल्फ फिनांस्ड इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल्स एक्ट। अभी तो आंध्र प्रदेश में बहुत बहस होने का बाद में वो एक्ट को छोड़ के अभी तो बिल बोल के लगा रहे, मगर वही बात है, बात तो वही है, उसमें तो थोड़ा फर्क नहीं है। मैं ज़्यादा टाइम ले लिया तो मैं अभी बंद कर रहा हूँ। और मेरे पास एक आर्टिकल है, किसी नौजवान आने से उनको तो मैं पहले से पेन ड्राइव में दे दूँगा। इसमें तो कंपेरेटिव स्टडी है, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक पॉलिसी जो है उसका खिलाफ में पूरा संसार में एक संगठन बना हुआ है, ऑल इंडिया फोरम को उसमें जोड़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल। उसका नाम है जर्म्स, ग्लोबल एजुकेशन रिफॉर्म्स कोर्ट में रिफॉर्म्स मूवमेंट जर्म्स। ये जर्म्स जो चल रहा है पूरा अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और कहीं कहीं देशों में, ये सब लोग मिलके उनका खिलाफ में लड़ रहा है। उनका रिसोर्स पर्सन है, वो फिनलैंड से आया है, पाल पहलबर्ग आई बिलीव, पाल सहलबर्ग है, प्रोफेसर पाल सहलबर्ग है। वो उनका माने जो हमारा अनिल जी जैसा हमारा देश में पूरा हम लोग को इकट्ठा कर रहा है, ऐसा पाल सहलबर्ग पूरा संसार में सब देशों में जो स्ट्रगल चल रहा है उनको इकट्ठा कर रहा है। वो लोग जर्म्स बोल के उसका खिलाफ में वर्ल्ड बैंक का जो पॉलिसीज है उसका खिलाफ में बहुत लिटरेचर ला रहा है। वो जर्म्स है, जर्म्स मूवमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा, यूनेस्को रिपोर्ट 2017 को पढ़ना पड़ेगा, वो दोनों पढ़ के हमारा डॉक्यूमेंट पढ़िए, मैंने गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट पढ़िए, तब आपको तो सिर्फ ये क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है वही हमारा गवर्नमेंट कर रहा है। लास्ट में ये मैं बोलना चाहता हूँ, फिर ये कोई वर्ल्ड बैंक बोल दिया इसीलिए और गवर्नमेंट कर दिया, सो हमारा गवर्नमेंट को हम कुछ नहीं कर सकते, ये कोई बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक 1980 से बहुत कुछ बोला है, मगर बहुत देशों में लोग उनका खिलाफ में लड़के उसको रोक दिया कि वर्ल्ड बैंक बोल दिया हो गया, ये कोई बात नहीं है देश में, संसार में थ्री फोर डिकेट्स में यही चल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोलता ही रहता है और हर एक देश में लोग उसका खिलाफ में लड़ता है, उसको रोक देता है। आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, यूनेस्को रिपोर्ट में ये भी लिख दिया कोई कोई देश में कैसा लोग जमा होके ये वर्ल्ड बैंक पॉलिसी जो है रिफॉर्म्स पॉलिसी है उसको कैसा रुकावट दिया है, कोई कोई देश में कोर्ट कैसा इसको रुकावट दिया है, कोई कोई देश में अखबारों मीडिया इसको कैसा स्टॉप किया है, पीपल्स स्ट्रगल, एनजीओस का रोल, मीडिया रोल, कोर्ट का रोल, कहीं कहीं गवर्नमेंट भी इसको रुकावट दिया है, स्टॉप किया है। तो हमको बात यह है इसको कैसा हम रेसिस्ट करें, हमारा एजुकेशन हम सेफ करें। हायर एजुकेशन का बाद में अभी बोलने के लिए टाइम नहीं है, बाद में अनिल जी उनका थोड़ा कवर कर लेगा, नीति आयोग में भी वो भी है थोड़ा सा, मगर जो बाहर चल रहा है वही है उसे डॉक्यूमेंट में। मैं ज़्यादा टाइम ले लिया तो साहब थैंक यू।